दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप करना है। जब आप पहली बार गूगल एड्स का अकाउंट खोल रहे हो तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और किन साजिशों से हमें बचने की जरूरत है जो गूगल एड्स रचता है आपके लिए। जो लोग गूगल एड्स का अकाउंट फर्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो गूगल एड्स आपसे जबरदस्ती की कैंपेन बनवा के कुछ ना कुछ पैसे जरूर छीन लेगा। तब आपको पता चलेगा अरे यार ये कैसे खर्च हो गए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम गूगल पर सर्च करेंगे गूगल एड्स। इसके बाद हमको सिलेक्ट करना है यहाँ पे ये गूगल एड्स। अब आप क्लिक करेंगे गेट स्टार्टेड पे। अगर आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट होंगे तो यहाँ पे दिख रहे होंगे, जैसे कि आप ये सेटअप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे न्यू गूगल एड्स पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यही वो पेज है जहां पे आपको बारीकी का ध्यान रखना है। गूगल एड्स आपसे पूछ रहा है लेट्स स्टार्ट और यहाँ पे आपकी बिजनेस प्रोफाइल वगैरह पूछ रहा है। बिल्कुल इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान दें, आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ एक बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है स्विच टू एक्सपर्ट मोड। अगर आप इस स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे क्लिक नहीं करेंगे तो गूगल एड्स आपसे एक जबरदस्ती की कैंपेन बनवा लेगा और पैसे डलवा के वो चलवा लेगा, जब तक आपको पता चलेगा कि इसे पॉज करना है। तो आपको क्लिक करना है यहाँ स्विच टू एक्सपर्ट मोड की बटन पे। अब दोस्तों वापस से एक और झांसा गूगल एड्स आपको दे रहा है। ये पूछ रहा है कि आपका अपना ऑब्जेक्टिव चूज करो। आप एक्साइटमेंट में ऑब्जेक्टिव चूज करने लग जाएंगे। नहीं, अभी आप अपने डैशबोर्ड पे नहीं आए हैं, फिर से वो जबरदस्ती की कैंपेन आपसे क्रिएट करवा लेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ नीचे बारीक अक्षरों में लिखा है क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, यानी कि हमको अभी कोई कैंपेन चालू नहीं करनी है, अभी आप बस हमारा अकाउंट क्रिएट कर दो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन पे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बिजनेस इन्फॉर्मेशन जो है वो एक बार चेक करनी है। कंट्री इंडिया रहेगी, टाइम जोन आपका जो इंडिया का वो रहेगा, करेंसी इंडिया की रहेगी। इसको अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे सबमिट की बटन दबाएंगे और इसके बाद आप यहाँ एक्सप्लोर योर अकाउंट की बटन दबाएंगे। अब दोस्तों आप गूगल एड्स के प्रॉपर डैशबोर्ड पे पहुंच चुके हैं बिना किसी कैंपेन को क्रिएट करे। यहाँ से आप सोच समझ के कौन सी कैंपेन क्रिएट करना है वो जर्नी आप आगे की शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि एड्स बनाने से पहले आप कुछ सेटअप कर लें। आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को अपने गूगल एनालिटिक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कन्वर्जन क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, जो भी कन्वर्जन आपके लिए जरूरी है। जैसे कि अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो आपको ट्रांजेक्शन वाले कन्वर्जन या परचेस को क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको लीड्स वगैरह लेना है तो आपको लीड वाले कन्वर्जन को क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी किसी भी कैंपेन को शुरू करने से पहले। इसके अलावा दोस्तों आपका कन्वर्जन प्रॉपर काम करे उसके लिए आपको गूगल एड्स के जो टैग है, जो कोड है, उसको अपनी वेबसाइट में डालने की जरूरत पड़ेगी। इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको मेरे दूसरे वीडियोस में बताया हुआ है, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ये रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको गूगल एड्स या फेसबुक एड्स में किसी भी प्रकार की हेल्प या सर्विसेज की जरूरत है तो आप मुझे जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।